हेलो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में तो दोस्तों एल ग्रेड हिंदी और एसएसटी के लिए और साथ ही आज प्रतियोगी मोर्चा की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति आई है उसके बारे में और पोर्टल कब तक खुलेगा उसके बारे में आज जो आयोग से न्यूज़ निकल करके आ रही है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो आज दिनांक 16 मार्च को ये प्रेस विज्ञप्ति है प्रतियोगी मोर्चा की ओर से आज दिनांक सोलह मार्च को प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में सैकड़ों प्रतियोगी छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुँच कर टी जी नए संशोधित विज्ञापन का जश्न मनाया ठीक है इस अवसर पर दिनेश शर्मा को भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया ध्यान रहे कि 10 मार्च को मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान अनिल उपाध्याय ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी ठीक है तो इस वजह से जो है और साथ ही साथ जो है युवा मंच ने भी काफ़ी मेहनत की तो जी आई सी एम चयनित जिन्होंने आज सामाजिक विज्ञान के साथ को छोड़ दिया ताकि अन्य बेरोजगार का चयन हो सके प्रतियोगी मोर्चा इसके लिए महीनों से अभियान चला रहा है जो प्रतियोगी छात्र सामाजिक विषय में एल एल टी जी आई सी में चयनित है चयन बोर्ड द्वारा टी जी टीम उनका इंटरव्यू कॉल हुआ है वह अपना इंटरव्यू छोड़ दें ताकि उनके स्थान पर नीचे के मेरिट वाले छात्रों का चयन हो सके चयन बोर्ड से प्रतियोगी छात्र लोक सेवा आयोग पहुँचे हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय का पोर्टल खुलवाने के संबंध में उप सचिव पुष्कर श्रीवास्तव लोक सेवा आयोग के जो उप सचिव हैं पुष्कर श्रीवास्तव जी से फ़ोन पर वार्ता की क्योंकि शिक्षा निदेशालय द्वारा लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थियों की डिटेल के संबंध में एक सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने आज इसे आज शाम तक भेजने का आश्वासन दिया एक और न्यूज है पोर्टल के संबंध में उसको भी देख लेते हैं लोक सेवा आयोग प्रयागराज एलटी हिंदी सोशल साइंस की सॉफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भिजवाने के लिए लोक सेवा आयोग में फोनिक वार्ता से मिला आश्वासन आज ही सॉफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज भेज दी जाए और वहाँ से आज शाम तक या कल तक शिक्षा निदेशालय लखनऊ भेज दी जाएगी उसके बाद पोर्टल उसी दिन या अगले दिन निश्चित रूप से खुल जाएगा जैसे ही अब सॉफ्ट कॉपी भी वो लोग मांग रहे हैं जैसे ही सॉफ्ट कॉपी आयोग से जो है निदेशालय और फिर वहाँ से लखनऊ अगर भेज दी जाती है तो उसी दिन या अगले दिन तक पोर्टल खुल जाएगा तो अब उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये लोग सॉफ्ट कॉपी जल्दी भेज देते हैं तो फिर इस हफ्ते तक शायद जो है पोर्टल खुल जाए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर देखिए इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ थैंक यू सो मच